देख सकते हैं ये देखिए फाड़े हैं इन्होंने भी तोड़े, मैंने तोड़े ये नहीं तो पता लगे। अभी आप देख सकते हैं खेत में बनने में ते इस खेत में चुकंदर और ये देखिए चुकंदर, ये देखिए चार है तम चालू हो जाता तो, क्योंकि काफी ज्यादा पतंगबाजी। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों को फिर से हमारे स्नैप ब्लॉग वीडियो में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ व मस्त होंगे। तो भैया आप लोगों की कृपा से हम भी मस्त हैं। अरे यार, दो चार दिन से कहीं ब्लॉगिंग शूट नहीं कर पा रहे हैं और निकले भी नहीं, तो ऐसे ही थोड़ा सा काम से आए थे खेतों की तरफ, तो हमने सोचा यहाँ से ही क्यों ना स्टार्ट कर दिया जाए। तो अभी आप देख सकते हैं हम है, हमारे पीछे ये पपड़ी वाला है। अभी पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी थी, लौवा पपड़ी वाला है। तो हम जा रहे थे वीडियो बनाने, बोले हमें भी साथ ले लो, तो हमने भैया तुम भी आ जाओ साथ में। तो आज आप लोग बने रहिए, आज आप लोगों को जा है, आप लोगों को जो है रोड पे घूम घूम के हर जहाँ जहाँ भी रुकेंगे वहाँ वहाँ का वीडियो शूट करते रहेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं अभी हम खेतों की तरफ हैं और कुछ बच्चे अभी आ रहे हैं, आप लोग को दिखाएंगे। उन्होंने फूल तोड़े हैं गुलाब के, अब ये नहीं पता पूछ के तोड़े हैं या मतलब बगैर पूछे तोड़े हैं। अभी आ रहे हैं, यानी कि आज बृहस्पति बार है तो फाता के लिए उन्होंने गुलाब तोड़े हैं। देख सकते हैं ये देखिए फाता के लिए इन्होंने ताज़े ताज़े फूल तोड़े हैं। ये देखिए गुलाब के फूल इन्होंने भी तोड़े हैं, इन्होंने भी तोड़े, मैंने तोड़े काय के लिए तोड़े थे? फाता के लिए, फाता के लिए। किसी से पूछे या ऐसे तोड़ लिए किसी खेत से? किसी से पूछे थे उनसे जिनका खेत। अच्छा, तो सही है, नहीं तो पता लगे। ये देखिए यहाँ पर कितने फूल लगे हुए हैं, देखिए आप लोग जूम करके दिखाएं। ये देखिए चारों तरफ गुलाब के फूल लगे हुए हैं और यहाँ पर जो है खेती हर प्रकार की फसल है। यहाँ पर गोभी है, बंद गोभी है, अब यहाँ देख सकते हैं गेहूं है और वो सरसों खड़ी हुई है और ये रास्ता इन्होंने फूल तोड़े हैं, ये देखिए। तो चलिए आगे और चल के देखते हैं, यहाँ पर पतंगबाजी हो रही है। अब जा रहे हैं सीधे हम लोग कॉलोनी की तरफ। अभी आप देख सकते हैं खेत में जो पानी लगाया गया है और ये देखिए बगुला कितने बगुले आ चुके हैं, ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद। ये लोग कीड़े मकोड़े खा रहे हैं ढूंढ ढूंढ के उसके अंदर। तो ये लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ दोनों। जाओ यार, इधर वापसी कहाँ आ रहे हैं? वीडियो के मारे देखिए वापसी लौट के आ रहे हैं ये लोग। तो अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे आए हैं, तो यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं अभी यहाँ पे रोड निकलने लगा। पहले यहाँ पर मेड़ थी, मतलब पैदल चलने की रास्ता थी, और अभी यहाँ पर जो है रोड निकल चुका है। तो अभी यहाँ रोड बनने की तैयारी हो रही है। अभी आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाते हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए अभी यहाँ पर जो है रोड निकल चुका है और ये देखिए साइडों में मिट्टी अभी पड़ी हुई है और अभी इसमें समय लगेगा थोड़ा बनने में। ये देखिए आप देख सकते हैं, और इधर चारों तरफ पहले खेत ही थे, अभी भी खेत है चारों तरफ, मगर ये बीच में रोड निकाल दिया गया। यहाँ पर ये ककरौंदे के पेड़ हैं, यहाँ पर भी ये देखिए ये सपड़ी की बगिया है और ककरौंदे की बगिया है, ये देखिए। तो इस खेत में चुकंदर है और ये देखिए बंद गोभी है, पत्ता गोभी जिसे आप बोलते हैं, जो चाउमीन वगैरह में आप लोग खाते हैं वो, देखिए ये लगी हुई है और ये देखिए चुकंदर है, ये देखिए पत्ता गोभी। सेमी है, कहाँ सेमी? और ये आप देख सकते हैं सेमी की बेल है और ये रोड गया, ये देखिए। अभी हम लोग थोड़ा सा फिर आगे बढ़े हैं, हमको दिखाई पड़ गई गुलाब की बगिया, गुलाब के फूल, फ्लावर रोज, इसका पूरा बाग है, आप लोग दिखाते हैं अभी। एक ये देखिए लगा हुआ है और इधर देखिए सारे पेड़ जो है गुलाब के ही है, ये देखिए चारों तरफ गुलाब ही गुलाब है, ये देखिए। दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, बहुत दूर लगे हुए, आप लोगों को जूम करके दिखाना है, ये देखिए। ये सारे गुलाब के जो है पेड़ है, यानी कि बाग है गुलाब का छोटा सा, बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए। तो गाइस आप लोग पीछे देख सकते हैं, हमारे पीछे जो काशीराम कॉलोनी आप लोगों को दिखा दे रही होगी, काशीराम कॉलोनी का, इस काशीराम कॉलोनी का काफी वीडियो हम डाल चुके हैं। तो अभी यहाँ पर आप आए हैं, थोड़ा सा यहाँ पर भी आप लोगों को दिखा देते हैं। तो वैसे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जब बारिश वारिश चालू हो जाती है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, और इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ पर तो कम से कम यहाँ तक पानी आ जाता है जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त। अब ये देख सकते हैं, ये देखिए रामपुरा का ताल है, यहाँ पर तो इतना तो पानी भरा ही रहता है, जिस जब बारिश का मौसम चालू हो जाता तो ये जो है पूरा जो है ताल भर जाता पूरा, और इस वक्त जहाँ हम यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पानी इतना आ जाता है कि कॉलोनी तक पहुंच जाता है। पिछली बार आप लोग हमारा वीडियो देख लेना, हमने आप लोगों को एक वीडियो दिखाया था कि यहाँ पर देखिए बाढ़ आ चुकी है, तो यही वो स्थान है
जो अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये देखिए ये कॉलोनी है वो आप लोगों को दिखाई दी थी, ये देखिए। और यहाँ तक आना मुश्किल हो जाता है जब बाढ़ आती है, यहाँ पर इतना पानी आ जाता है, इतना पानी यहाँ आना मुश्किल हो जाता है। और अभी देखिए अभी फरवरी का महीना चल रहा है और भी काफ़ी ज़्यादा सूखा हुआ है अभी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बाढ़ इसलिए आ जाती है क्योंकि यहाँ इसके पीछे जो आप देख रहे हैं कम से कम 10 से 5 किलोमीटर के रेंज में यहाँ पर जो है गंगा जी हैं। और गंगा जी जब बांध का पानी जब छोड़ा जाता है तो गंगा जी बढ़ती हैं, जब गंगा जी बढ़ती हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पानी बढ़ जाता है, जिस कारण यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। और जो है यहाँ पर नाव से आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। पिछली वीडियो जो हमने डाली थी आप लोग देख लेना, काशीराम कॉलोनी में आई बाढ़। तो अभी आप लोग पीछे देख रहे हैं, ये देखिए अभी भी पतंगबाजी हो रही है यहाँ पर। कम से कम 2 महीने मतलब होली के बाद तक 1 महीने तक खूब पतंगबाजी होती है। और यहाँ पर भी देखिए पीछे लोग पेच भी लड़ा रहे हैं, पतंगबाजी काफ़ी हो रही है। और अभी आप लोगों को यहाँ का पूरा सीन दिखाई दिया हमने, ये देखिए, और बहुत ही मस्त व्यू है एकदम। आप तो भैया आप लोग सोच रहे होंगे यार सेविंग वेविंग नहीं की, तो यार टाइम नहीं मिल पाया और आज बृहस्पतिवार है इसलिए सेविंग नहीं कर पाए हैं। तो अगला जो वीडियो आप लोगों को मिलेगा तो उसमें सेविंग वेविंग बना लेंगे। अभी देखिए कितनी बुरी लग रही है, क्या करें यार टाइम नहीं मिल पाया और सेविंग भी बड़ी हो गई है। तो अगली बार जो व्लॉग मिलेगा आप लोगों को तो उसमें जो है सेविंग वेविंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब काफ़ी अच्छे से चिकने हो जाएंगे, उसके बाद वीडियो बनाएंगे। तो अभी आप ये देख सकते हैं, देखिए है काफ़ी ज़्यादा बड़ी सेविंग हो गई है। अगले वीडियो में सेविंग बनाकर तब लोग शूट करेंगे। यहाँ का जो सीन था वो आप लोगों को दिखा दिया है। लोग पतंगबाजी देखने के लिए गए थे वो देखिए देख रहे हैं, ये देखिए कितना मस्त व्यू आ रहा है यहाँ का। कहाँ चल रहा है, क्या करें, काफी ज्यादा पतंगबाजी हो रही है। देखिए चाइना की रील जगह जगह पड़ी हुई है, ये देखिए चाइना की रील फंस गई इसमें, चलो इन्हें निकाल तो दे यार। और चाइना रील बहुत ही बेकार होती है, देखिए अगर टायर पहिए में फंस जाती तो कैसे चलती गाड़ी, बहुत टाइट चल रही थी। तो अभी निकाल दिए, अब चल रहे हैं घर की ओर। ये देखिए आप लोग कॉलोनी है,